हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों 2022 की एक माइंड ब्लोइंग एंटरटेनर फिल्म रिलीज हो चुकी है, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। क्या कहानी है, क्या फिल्म है, क्या डायरेक्शन है, हर एक चीज मतलब कि कमाल की है। और आप जब फिल्म देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, इतनी धमाकेदार फिल्म है ये। इमोशन से लवरेज, एक्शन से लवरेज, और क्या ही एक्टिंग है आर माधवन की, उनकी फैमिली की, क्या ही सीन्स है, मतलब आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली रॉकेटरी दी नंबी इफेक्ट, हमारे देश के साइंटिस्ट नंबी नारायण की कहानी बड़े पर्दे पर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। नंबी नारायण, जिनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मतलब वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिसने देश को लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी का वरदान दिया। पर हमारे देश ने क्या याद रखा, उनका विवादों से जुड़ना। अगर आर माधवन उनकी ये बायोपिक नहीं लेकर आते तो शायद हम आज भी उनकी अचीवमेंट से बेखबर रहते। कहानी की बात कर लेते हैं तो फिल्म की कहानी शुरुआत होती है एक इंटरव्यू से, जहां बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान सेलिब्रिटी गेस्ट नंबी नारायण का इंटरव्यू लेते हैं। पूरी कहानी का ताना बाना इस इंटरव्यू के आधार पर बुना गया। नंबी शाहरुख के सभी सवालों का जवाब देते हैं और कहानी फ्लैशबैक पर जाती है। इसरो के साइंटिस्ट और एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायण की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के फेलोशिप के लिए जाना, वहां प्रोफेसर लुईस क्रोको के अंडर लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी में अपनी थीसिस का 10 महीने में पूरा करके एक रिकॉर्ड ब्रेक करना, नासा में जॉब ऑफर को ठुकराया और इंडिया में आकर एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई संग मिलकर लिक्विड रॉकेट फ्यूल टेक्नोलॉजी पर काम करना, ये पूरी जर्नी दिखाई गई है फिल्म में। साथ ही नंबी के उस कॉन्ट्रोवर्सी पर भी प्रकाश डाला गया, जहां उन पर आरोप लगाते कि उन्होंने रॉकेट प्रोग्राम से जुड़ी जानकारी मालदीव के 2 जासूसों के जरिए पाकिस्तान को बेच दी है। इस कॉन्ट्रोवर्सी ने नंबी के परिवार को तोड़कर रख दिया था। परिवार के लोगों पर कालिक पोतना, घर के बाहर पत्थरबाजी, केरल में उन्हें जान से मारने तक की धमकी झेलनी पड़ी। वही नंबी इसके लिए 50 दिनों तक जेल में रहे। उन्होंने 3rd डिग्री लेवल का टॉर्चर सहा, पुलिस की मार खाई और क्या क्या नहीं किया। हालांकि 5 साल की लंबी लड़ाई के बाद 1996 में सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी और उन्हें 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने बेकसूर साबित कर दिया। वही मौजूदा सरकार ने 2019 में उन्हें प्रेस्टीजियस अवार्ड पद्म भूषण से नवाजा। हालांकि क्या इसके बावजूद वो अपने परिवार के साथ हुए अत्याचार को भूल पाए, क्या उन्होंने देश को माफ किया, ये सब जानने के लिए आपको थिएटर तक जाना पड़ेगा। दोस्तों मैं फिल्मों का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, सिनेमा मेरा जुनून रहा। फिल्म देखना, उनके बारे में लिखना, फिल्मों के बारे में चर्चा करना, उन पर होने वाली बहस में हिस्सा लेना और फिल्में देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सब कुछ मैं कई सालों से कर रहा हूँ, लेकिन बॉलीवुड में या पूरे इंडिया में ऐसी बहुत कम फिल्में बनी हैं जो मेरे को रुला सके। मतलब ऐसी बहुत कम फिल्में मैं देखता हूँ जो इमोशनली मैं उनसे कनेक्ट हो पाता हूँ। आपको बता दूं कि ये नारायण नंबी जो फिल्म रिलीज हुई है, ये एक ऐसी ही फिल्म है। मतलब इसे बड़े पर्दे पर देखना एक अलग एक्सपीरियंस है, एक अलग फीलिंग है। मैंने फिल्म देखी, मैं हंसा, रोया, सब कुछ हुआ मेरे साथ। मैं अपने आंसू रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं रोक पा रहा था। सोचिए फिल्म कितनी अमेजिंग है और इमोशन कितने स्ट्रॉन्ग है। फिल्म में ऐसे कई सीन आते हैं जो आपको सच में निचोड़ देंगे, मतलब जो इमोशन है आप उसे फील करेंगे। एक सीन है फिल्म का जहां पूरा दर्द निचोड़ देने वाला है। बारिश हो रही है, वो भी भीषण, मतलब झनाझन वाली। ऊपर देखे तो तिरंगा भीग रहा है और इसी के नीचे नारायण दंपति यानी कि नारायण का पूरा परिवार सड़क पर बेसहारा, बेबस और बेजुबान। फिल्म का एक एक फ्रेम, एक एक सीन माधवन ने ऐसा लग रहा है कि हूबहू वैसा ही बनाने की कोशिश की है जैसा नंबी नारायण के साथ हुआ है। मतलब कि इतनी डिटेलिंग कि आप एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ये आर माधवन की पहली डायरेक्टोरियल फिल्म है। सच में उनका 7 साल देना एक फिल्म को, फिल्म पर साफ देखा जा सकता है। वेल दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आर माधवन ने इस फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया। इस फिल्म को बनाने में माधवन को लगभग 7 साल लग गए। इतने सालों की मेहनत फिल्म में साफ नजर आ रही है। 3 लैंग्वेज में ये फिल्म रिलीज हुई, हिंदी, तेलुगु और इंग्लिश में। दोस्तों जहां फिल्म का फर्स्ट हाफ साइंस, रॉकेटरी और टेक्नोलॉजी से लबरेज है, जिसे हमें आपको बहुत नॉलेज मिलती है, बहुत जानकारी हाथ लगती है। फिल्म का सेकंड हाफ बहुत इमोशनल है। माधवन ने इंफॉर्मेशन और इमोशन के बीच बखूबी बैलेंस बनाए। सेकंड हाफ में कहानी पूरी तरह नंबी और उनके परिवार के दर्द पर स्विच करती है और कई ऐसे सीन्स होते हैं जहां आप एक महान साइंटिस्ट के साथ अत्याचार को देख बतौर इंडियन अपराध बोध महसूस करते हैं। फर्स्ट में इंग्लिश लैंग्वेज का काफी यूज किया गया, जिसे कम किया जा सकता था।
या फिर हिंदी सबटाइटल का ऑप्शन भी चुना जा सकता था। पहली फिल्म को इतनी बारीकी से डायरेक्ट करना, उसकी कहानी और फिर एक्टिंग, इन तीनों ही रोल पर माधवन खड़े उतरे। आने वाले समय में वो प्रॉमिसिंग डायरेक्टर साबित हो सकते हैं अगर वो आने वाले टाइम में कोई फिल्म डायरेक्ट करते हैं। बात करें टेक्निकल और म्यूजिक की, तो डायरेक्शन और स्टोरी के साथ साथ उसकी एडिटिंग और VFX इसके पक्ष को मजबूत करते हैं। फिल्म को लगभग 8 जगहों में शूट किया गया। सिनेमेटोग्राफर सिरसा ने अपना काम ईमानदारी से किया। रॉकेट के लॉन्चिंग की बात हो या केरल में कमरे में कैद किया परिवार का दर्द, उन्होंने हर फ्रेम को बारीकी से दर्शाया। सैम सीएम का बैकग्राउंड म्यूजिक इस फिल्म को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। बात आती है एक्टिंग की। वो कहते हैं फिल्म में आधी जंग आप तब जीत जाते हैं जब इसकी कास्टिंग परफेक्ट मिल जाती है। रॉकेटरी फिल्म की परफेक्ट कास्टिंग इसे और मजबूत बनाती है। वहीं कैमरे पर महज 15 मिनट के लिए आए शाहरुख खान ने होस्ट के रूप में खुद के किरदार को जिया है। कहानी सुनने के बाद उनका दर्द, वो इमोशन काफी जुनूनी झलकता है। अब आते हैं फिल्म के हीरो आर माधवन पर। माधवन ने मेथड एक्टिंग की सारी हदें पार कर दी। मतलब किसी किरदार के लिए वजन बढ़ाना, बाल मुड़वाना तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने इन सबसे आगे बढ़ते हुए अपने जबड़े को तुड़वा लिया था। उनकी एक्टिंग में कहीं भी डायरेक्शन का प्रेशर नजर नहीं आया, बल्कि ये आर माधवन के करियर की वन ऑफ द बेस्ट किरदार हो सकता है। नंबी की पत्नी मीना नारायण के किरदार में सिमरन ने जिया है। वही सारा भाई के किरदार में रजत कपूर जचे। प्रोफेसर उन्नी के किरदार में सैम मोहन जचे। मतलब कास्टिंग बहुत प्योर थी और लोगों ने अपने कैरेक्टर को सच में जीवित कर दिया। वेल, एट द एंड हम हमेशा पूछते हैं कि फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप लोगों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। ये फिल्म हमारे देश के साइंटिस्ट और उनके डेडिकेशन पर है। इसके जरिए आप उनके उस पहलू से रूबरू होंगे जिसे देश के कई नागरिक अनजान हैं। ये फिल्म आप लोगों के लिए, हमारे लिए एक फ्रेश कंटेंट है, हमारे दिमाग में फ्रेशनेस लाएगी। वहीं देखा जाए तो साइंस और टेक्नोलॉजी के एरिया में हुए देश के अचीवमेंट से भी आप वाकिफ होंगे। दमदार एक्टिंग, अच्छी कहानी से भरपूर इस फिल्म को एक बार तो जरूर देखनी चाहिए, वो भी सिनेमा घरों में। लेकिन हाँ, आप केवल एंटरटेनमेंट की तलाश में है तो शायद आपके हाथ निराशा ही लगेगी। वेल, अब बात करें रेटिंग की, तो इस फिल्म को आउट ऑफ 5 रेटिंग मिलती है 4 स्टार। वेल, आपको कैसी लगी ये फिल्म? क्या आपने देखी या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।